और बुढ़ा साहब आपने ऐसा कैसे बोला? हम लाचार हैं, कमजोर हैं, मजबूर हैं। अरे छोड़ो, ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता जनार्दन है। जिसके सर पे हाथ होगा वही ताकतवर होगा। बाकी ये पद कुर्सियां मंत्री संतरी आए चले गए, जो जनता के दिलो दिमाग में अपनी छाप छोड़ेगा वही इस देश में राजी करेगा। जी पूत्र आए महेश जी, अमृता देवी, उनके दोनों प्यारे बच्चे, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज एक लंबे समय के बाद इस मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम बहुत लंबे समय से अटका हुआ था और आज वो शुभ घड़ी आई जब हमने सबने मिलकर आपके साथ इस खूबसूरत मूर्ति का अनावरण किया। मेरा सौभाग्य है कि सोराम जी की याद में जो ये प्रतिमा बनी है, ये बहुत लंबे समय तक इस इलाके को, इस क्षेत्र को, पूरे देश और प्रदेश को एक प्रेरणा का स्रोत राज मिला और सचमुच मैं आभारी हूँ उस परिवार का जिन्होंने हिम्मत रखते हुए अपने घर को, अपने बच्चों को संभाल कर रखा और आप सब लोगों का जो आज इस यादगार क्षण में आप यहाँ पर आज उपस्थित हुए। साथियों, विनंगनाओं की मांग को लेकर काफी कुछ कहा गया और इस बार भी मेरे संज्ञान में लाया गया कि हमारी सोराम जी की जो धर्मपत्नी है वो शिक्षित है, पढ़ी लिखी है और जो सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जो जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, जिनकी शहादत इस देश की मिट्टी के लिए हुई है, उनके लिए हर संभव सहायता और सहयोग सरकारें करती हैं। मैं समझता हूं कि जिस घर से सैनिक शहीद होता है, हो सकता है कि पलटन के लोग, यूनिट के लोग, उनके दोस्त, उनके चाहने वाले उसका दुख उनको महसूस हो, लेकिन घर का जब कोई जाता है तो निकट परिवार है वही उस मौत को रोज झेलता है। हम और आप आंसू बहा सकते हैं, हमदर्दी दे सकते हैं, मूर्तियां लगा सकते हैं, लेकिन इंसान के जाने की जो कमी है वो परिवार ही उसको झेलता है और आजीवन झेलता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस क्षेत्र में और शेखावटी का ये क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान में खेतरी झुंझुनू का नाम इसलिए है कि यहां पर किसान भी है और जवान भी है। हजारों सैकड़ों की तादाद में यहां पर नौजवान प्रतिस्पर्धा करते हैं, मेहनत कर फौज में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होते हैं। उनके लिए, उनके परिवार के लिए अगर कहीं थोड़ा, मैं तो कहता हूं कानून भी बदलना पड़े तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए। ये बात मैं सरकारों को बताना चाहता हूं। अभी आप जानते हैं कुछ दिन पहले कुछ और विनंगनाएं थी, उनकी भी मांगे थी, वो तीनों मेरे घर भी आई थी जयपुर में, बहुत दुखी थी और मैं समझता हूं उनकी मांगों को मानो या ना मानो, लेकिन उनकी बात को सुनना हम लोगों को चाहिए था। उनकी बात को सुनकर जो संभव था उसके लिए हां बोलते, जो संभव नहीं था उसके लिए ना बोलते, लेकिन उनको मान सम्मान देकर, उनकी बात को सुनकर, उनके दुख को अदा करने की जिम्मेदारी हम लोगों की। और मैंने इस काम को किया, मेरे घर वो आई, मैंने उनकी बात को सुना। मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं लेकिन ये सरकार हम लोगों की है, आप सबके आशीर्वाद से हमारी पार्टी की सरकार बनी थी। तो आने वाले समय में सोराम जी की जो धर्मपत्नी है, क्योंकि वो शिक्षित है, पढ़ी लिखी है और जीवन में अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि यहां पर अगर हम बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े मुद्दों के लिए अध्यादेश ला सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, कैबिनेट के फैसले लिए जा सकते हैं, मैं सोचता हूं कि हमदर्दी रखते हुए, इस शेखावटी के मान सम्मान को रखते हुए, जो लोग
वर्दी पहनकर देश की सरहद पर खड़े होकर गोली खाने के लिए तैयार है, गोलियां खाते हैं, उनके परिवारों के लिए ये थोड़ा बहुत संशोधन हमको करना चाहिए ताकि जो वो चाहती है शिक्षित महिला उसको उस प्रकार की नौकरी मिल सके। अभी गुड़ा जी का भाषण आपने सुना, कुछ हफ्ते पहले इसी जिले के इनके क्षेत्र में हम लोगों ने किसान सम्मेलन किया था किसानों की मांग को लेकर, क्योंकि जो जवान आज हैं चीन की सरहद पर पाकिस्तान की सरहद पर उसमें से अधिकांश लोग वो हैं जिनके बाप दादा खेती करते थे और खेती करते हैं, जो किसानी करता है उन्हीं के बच्चे निकलकर फौजों में जाते हैं। हमने किसान सम्मेलन किया था इस मुद्दे को लेकर कि केंद्र की सरकार ने वादा किया था, जब तीन काले कानून बनाए थे उसका विरोध हमने किया और हमको आश्वासन दिया गया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एमएसपी के लिए एक ठोस कानून बनेगा, किसान की पैदावार को खरीदने के लिए एक ऐसा अनुरोध किया, आग्रह किया, चिट्ठियां लिखी, लेकिन आप और हम सब जानते हैं जो प्रभावी कार्रवाई उन भ्रष्टाचार के मामलों पर होनी चाहिए थी वो हुई नहीं हुई है। क्या आप लोग मुझे बताओ, उसके अलावा बहुत से मामलों की जांच चल रही है, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। जो प्रदेश के लोगों की जेब पर डाका डालेगा उसकी जांच करो, चार्जशीट करो, जेल में डालो, हम सब इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिनके खिलाफ भाषण देकर, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर हम लोगों ने वोट लिया था, हमें वो वादा भी पूरा करना पड़ेगा। मैंने हमेशा मर्यादाओं को कभी लांघा नहीं है, मैंने अपने शब्दों में, अपने भाषणों में, हो सकता है गुड़ा जी कभी कभी स्लिप हो जाते हैं, लेकिन मैं कभी स्लिप नहीं हो रहा, क्योंकि संस्कार ऐसे मिले बचपन से, तो शालीनता, विनम्रता, मान सम्मान, आदर, प्रेम, भाईचारा, बड़ों का, बुजुर्गों का मान सम्मान करना मैंने हमेशा किया, मैं विरोध भी करता हूं तो ऐसा विरोध करता हूं कि धुआं निकालता हूं, लेकिन भाषा पे कभी संयम खोया नहीं, क्योंकि मुंह से जो शब्द निकल गया वो वापिस नहीं आता। इसलिए मैंने हर एक का विरोध किया, अगर नैतिक विरोध है, राजनीतिक विरोध है, विचारधारा का विरोध है, जेलों में गए हैं, धरने दिए, भूख हड़ताल करी है, लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, मेरे से उम्र में बड़ी हैं, लेकिन जब राजनीति से जब टकराव होता था तो टकराव बराबर का होता था और हम उनको हरा कराते थे, लेकिन अब शब्दों का प्रयोग करना, ओछी भाषा का इस्तेमाल करना, ये ना हमने कभी पहले कभी किया है और ना करने वाले। लेकिन मुद्दों को लेकर, सिद्धांतों को लेकर, जबान से किए गए वादों को लेकर हमने ना पहले कभी समझौता किया है ना आगे कभी समझौता किया। देश में जहां जहां चुनाव होता है मैं हमारी पार्टी के लिए वोट मांगने जाता हूं, जहां जहां बीजेपी का शासन है और भ्रष्टाचार मुझे दिखता है, हमको दिखता है, उसका विरोध हम लोग करते हैं। लोग हमारी जबान पर विश्वास करते हैं, वोट डालते हैं, और आप भी जानते हो उत्तर भारत में जहां जहां बीजेपी का शासन होता है वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगने सबसे पहले मैं खड़ा होता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहां भी हो। पिछले 25-30 सालों में, 25-23 सालों में जगह जगह जाकर मैं विरोध किया है, क्योंकि विचारधारा से मेल नहीं। लेकिन जो बातें मैंने उठाई हैं, लिखित में उठाई, साल सवा साल पहले की बात, और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अनशन किया जयपुर के अंदर, इस बात को लेकर किया कि हम लोगों ने जो वादे किए थे और भ्रष्टाचार के साथ
कोई समझौता हम लोग कर नहीं सकते। इस देश का प्रदेश का नौजवान एक स्वच्छ राजनीति चाहता है और भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच होनी चाहिए। इस मांग को लेकर मैंने एक दिन अनशन किया था। मैंने किसी का विरोध नहीं किया, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने शालीनता से विनम्रता से सिर्फ इस बात को मांगा था और आज भी मांग रहा हूं। अभी हफ्ता हो गया है, कोई कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार, करप्शन, आर्थिक अपराध करने वाले वो लोग जिन्होंने गलतियां की थी, पर बार बार कहा जाता है हर गलती सजा मांगती है। जांच होनी चाहिए, सबूत मिले तो कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान को एक ईमानदार और स्वच्छ राजनीति देने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। और इस मुद्दे को लेकर मैंने बड़े खुले मैदान में इस बात को कहा कि करप्शन के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, पर देश के नौजवान को, के भविष्य को हम अंधकार में डालना चाहते हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। और ये संघर्ष, ये संकल्प कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत रहेगा। आप सब लोग यहां बैठे हो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिन मुद्दों को मैंने उठाया, ये लड़ाई सही है गलत, मुझे आवाज नहीं, क्या बोला आप लोग? भाई मैंने किसी का विरोध नहीं किया, मैंने कोई लांछन नहीं लगाया, मैंने कोई किसी को कटघरे में खड़ा नहीं किया। मैंने बड़ी शालीनता से कहा कि जो हमने आपने वादे किए थे उन्हीं को पूरा कर दो, क्योंकि चुनाव सर पर है। जैसे घोड़ा जी ने कहा, ये 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस की जो परिपाटी बनी है पिछले 35 सालों में, इसको अगर रोकना है, इसको तोड़ना है, अगर दोबारा जनता की सेवा करने का मौका हम लोगों को चाहिए, तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जनता का विश्वास हम लोग जीत सके। इसलिए आज इस सभा में आप सब लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया और खासकर हमारी शहीद की जो वीरांगना है, इसके भविष्य के बारे में चिंता प्रकट करी है। मैं सभी वक्ताओं को आश्वासित करना चाहता हूं कि जितना जोर हम में है, और बुढ़ा साहब आपने ऐसा कैसे बोला, हम लाचार हैं, कमजोर हैं, मजबूर हैं, अरे छोड़ो, ये लोकतंत्र है, यहां जनता जनार्दन है। जिसके सर पे हाथ होगा वही ताकतवर होगा। बाकी ये पद, कुर्सियां, मंत्री, संतरी आए चले गए, जो जनता के दिलो दिमाग में अपनी छाप छोड़ेगा वही इस देश में राजनीति करेगा। मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, 36 कौम के लोगों से, कि आपने हमेशा मान सम्मान और प्यार आशीर्वाद दिया है, भविष्य में भी आप देते रहोगे, और हम लोग मिलकर इस परिवार की बेहतरी के लिए तो सबसे बेहतर